हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर। अगर आपको यहाँ पे जब भी आप इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं, यहाँ पे देखिए वे कुडंट कंप्लीट यूर रिक्वेस्ट इस तरीके से लिखा आता है। वापस से हम यहाँ पे जो है लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो ये वापस आपके सामने इस तरीके से आता है। हमारा अकाउंट इंस्टाग्राम का ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, बट जैसे लॉगिन पर क्लिक करते तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे मैं दूसरे अकाउंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पासवर्ड की ऑप्शन आती है, बट यहाँ पे जैसे एक नंबर पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे सॉरी वी डिडंट कंप्लीट यूर रिक्वेस्ट बता रहा है। तो कैसे आप इसको ठीक करेंगे? तो इसको ठीक करने का सीधा सा प्रोसेस ये है कि जब आप मान लीजिए ये जो आपकी एक नंबर वाली आईडी है या फिर जिसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, वो आपकी फ़ोन में ऑलरेडी जो है लॉगिन है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि वो दोबारा लॉगिन नहीं हो पाती। इस केस में आप क्या करेंगे, स्विच अकाउंट पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी आईडी और पासवर्ड है उसको डाल देना है। या फिर अगर आप यहाँ से जो है बैक बटन दबाएंगे तो इस तरीके से आएगा। एक और बार बैक बटन आपको दबाना है और यहाँ पे देखिए हमारा इंस्टाग्राम डायरेक्टली जो है खुल चुका है। यहाँ पे हमने विदाउट पासवर्ड डाले ही कर लिया है ये सारा प्रोसेस, ठीक है। बाकी अगर आपका फिर भी इशू है, फिर भी अगर आपका इंस्टाग्राम यहाँ से इस तरीके से नहीं खुल रहा है या फिर लॉगिन होने में अभी भी दिक्कत है, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से जो है आपको ये जो ऑप्शन है 3 डॉट्स देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से इसको रिमूव करना है और वापस से जो है आपको इस आईडी को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। जैसे अगर आप वापस ऐड करोगे तो ये हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे देखिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, एक तो स्विच अकाउंट करना है या फिर आपको बैक बटन आपका 2 बार प्रेस करना है। जैसे बैक बटन में दबाता हूँ तो इस तरीके से मेरे आईडी जो है ऑटोमेटिकली खुल जाती है, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉगिन है, इस वजह से ये जो है विदाउट पासवर्ड डाले ही हमारा जो है लॉगिन हो जाता है। अगर आपको जानकारी समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।